हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैनवस की सरफेस प्रिपेयर करना सिखाऊंगा कि कैसे आप लो बजट कैनवस जो सा है वो उसको उसकी सरफेस को प्रिपेयर करके मतलब हाई क्वालिटी का कैनवस बना सकते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं और आप लोग क्या नाम होता है एक्सपेंसिव कैनवस नहीं ख़रीद सकते तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम लोग लो बजट कैनवस को भी अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले तो आपने जो भी कोई भी कैनवस है, जैसे कि आप लोगों के हाथों में देख सकते हैं कि ये कैनवस है, ये एक लो बजट कैनवस है, ठीक है। इसको कैसे मतलब कि अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हम लोगों को, उनमें सबसे पहले एक आता है ये सैंड पेपर, ठीक है। ये किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आप लोगों को आसानी से मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें चीज़ आती है ये इमल्शन का एक डब्बा है, ठीक है। ये आप किसी भी क्या नाम होता है कंपनी का खरीद सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग ड्यूलेक्स का लें। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, जैसे कि आप लोग ये डब्बे की कंडीशन देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मतलब काफ़ी पुराना है और इससे मैं काफ़ी कैनवसेस प्रिपेयर कर चुका हूँ। लाइक आई थिंक सो डैट मैंने इससे कोई तकरीबन 20 से 25 कैनवस अभी तक प्रिपेयर कर लिए हैं। कुछ उनमें बड़े साइज़ के भी थे और कुछ छोटे साइज़ के भी थे, ठीक है। तो इससे आप काफ़ी अच्छा आप लोगों को रिज़ल्ट मिलता है, जो आप अगर अपनी सरफेस के ऊपर, जब ये कैनवस की सरफेस के ऊपर एक दफ़ा क्या नाम होता है यूज़ होगा, तो फिर जब आप इसके ऊपर पेंट करेंगे तो आपको खुद बखुद इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो आई विल रेकमेंड यू कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ड्यूलेक्स का लें, ठीक है। ये लिटल बिट एक्सपेंसिव है, पर ये आपका साल, डेढ़ साल, दो साल, ये डिपेंड करता है कि आप लोग मतलब कि किस तरह का काम करते हैं, कितने कैनवसेज यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसको यूज़ इस तरह करना है कि ये मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था थोड़ा सा, ठीक है। इसमें लाइक मैंने पानी 50% पानी लिया है और 50% से थोड़ा सा काम जोन सा है ना, जितना मतलब पानी लिया उससे तकरीबन 25% मैंने ये पेंट ऐड किया है, ठीक है। पेंट ऐड करके मैंने ये पहले थिक था, ठीक है, ये थोड़ा सा थिन हो गया, ठीक है। ये इस तरह ये देख लें, मतलब बिल्कुल ही पतला, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने ये कैनवस जो सा है, क्योंकि ये लो क्वालिटी होता है तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं छोटे छोटे इस तरह के ये ग्रेन्स वगैरह नज़र आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आपने ये सैंड पेपर लेना है और सैंड पेपर से इसकी सरफेस को हल्का हल्का ऐसे रब कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर रब करेंगे इसको ताकि इसके ऊपर से ग्रेन्स जो से हैं वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए, तो इतना ज़्यादा भी नहीं रगड़ना कि कपड़ा बिल्कुल ही छीला जाए, यानी कि कपड़ा बिल्कुल ही पतला हो जाए, इस तरह से नहीं हम लोगों ने इसको इतना नहीं रगड़ना, मतलब इतना रगड़ना कि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कहीं पे कोई मतलब कि लगा हुआ है निशान वगैरह या जो भी है एक्स्ट्रा कुछ वो उतर जाए और इसकी सरफेस थोड़ी स्मूथ हो जाए। जहाँ पे ये देखें, जहाँ पे आप ये देखें, मैं इस तरह करूँगा तो ये इसके ऊपर से थोड़ी सी मतलब जो एक्स्ट्रा जो था वो सारा उतर गया इसके पास से, ठीक है। तो इसको किसी ड्राई ब्रश के साथ भी आप अच्छी तरह से इसके ऊपर जो लगा है वो ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया पहला स्टेप। अब जो अगला स्टेप है वो क्या है, हम लोग ये जो कि मैंने ये सरफेस के लिए ये जो सा इमल्शन तैयार किया था, ठीक है,
ये हम इसकी ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, जितना आप लोगों ने मतलब थिक रखा है, ठीक है, आप उसके हिसाब से इसके ऊपर लेयरिंग वगैरह ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं जो सा है वो मोस्टली 2 से 3 लेयरिंग्स ऐड करता हूँ, तो आप लोग भी 2 से 3 कर सकते हैं। पहले ऊपर से नीचे की तरफ, ये देखने हैं आपने ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ पहले एक दफ़ा, क्योंकि ये जो है इसकी डिपेंड करता है थिकनेस कितनी है, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे पतली सी रखी हुई है, ठीक है। आप लोग भी अपनी मतलब मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आप लोग देन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो इस वीडियो में आप लोगों को क्या नाम होता है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ एक लेयरिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग नेक्स्ट जो है जब आप करें तो कम से कम 3 लेयरिंग करें। वो लेयरिंग कैसे करनी है, जब पहली लेयरिंग हो जाए तो उसको ड्राई होने देना है, फिर देन आपने दूसरी लेयरिंग करनी है इसके ऊपर, फिर वो ड्राई हो जाएगा, देन आपने तीसरी लेयरिंग करनी है। तो इससे ये क्या होगा कि आप किसी भी लो क्वालिटी कैनवास को अच्छी कंडीशन में प्रिपेयर करके उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। आप इसको इस तरह करके, तो इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपने किसी कोई भी कैनवास, कोई भी चीपेस्ट कैनवास है, मतलब जो लो प्राइस कैनवास है, मतलब आप पेंट करते वक्त आपके पेंट मुश्किल से होता है और यहाँ आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप बाय नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई भी चीपेस्ट कैनवास लेके, ठीक है, उसको मतलब उसकी सरफेस इस तरह रेडी करके, तो उसको उसको पेंट कर मतलब ईजीली आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हैं। तो मेरी वीडियो के एंड पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।